अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारनी हो या फिर आ बैल मुझे मार वाली परिस्थिति हो, कांग्रेस पार्टी कहीं पीछे नहीं है। अब की बार कांग्रेस ने कुछ ऐसा किया है कि सोए हुए शेर को जगा दिया। राजा रजवाड़ों की धरती राजस्थान से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें कांग्रेस को मुंह छुपाना मुश्किल हो गया है। शब्दों की मर्यादा की धज्जियां उड़ाते हुए कांग्रेस ने साधु संतों को अपमानित किया है। आलम यह कि बाबाओं को बुरा भला बोल रहे कांग्रेसी श्रवण कुमार ने राजस्थान के योगी को ऐसा गुस्सा दिलाया कि भरे सदन में कांग्रेस के सारे काले चिट्ठे खुल गए। मठाधीश से विधायक बने भाजपा के फायर ब्रांड नेता बाबा बालकनाथ का पहली दफा सदन में रौद्र रूप दिखा है। बीते दिनों राज्यसभा विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ और इसके पीछे का कारण है संत परंपरा पर कांग्रेसियों की आपत्तिजनक टिप्पणी। बाबाओं के खिलाफ कांग्रेसी श्रवण कुमार ने मुंह क्या खोला, अब बालकनाथ अपना आपा खो बैठे। श्रवण कुमार के क्या कहने पर बाबाओं पर बहस छिड़ गई, देखिए इस पूरे वीडियो में। बाबा विदेश गए था आपने गालिया, बाबा गए थे विदेश में, अगर इस देश का सबसे ज्यादा भट्ठा बैठाया तो बाबाओं ने उठाया। एक गाय लिया और बांद्रा बना के घाल के मंदरा और दिखा जा, एक तो आसाराम तो जड़ में पड़े ही है, राम रहीम पड़े ही है, आसाराम पड़े ही है, राजपाल के वो हरियाणा में तो 32 मोटा जेड़ में। मेहरबानी करके उत्तेजित मत हो, गुस्सा मत करो, बाबा गुस्सा नहीं करते हैं, आशीर्वाद करते हैं। आसाराम जेड़ में जोधपुर में पड़ा है और अभी तक मंदिर नहीं निकाले हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, माननीय विधायक जी मेरी बात सुनिए, माननीय कांग्रेस के सभी सदस्य मेरी बात सुनिए, मुझे निजी रूप से कुछ कहना है। वो भी आप ले आना, मैं उत्तर देता हूं। आप सुबह शाम कहो, 24 घंटे कहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं अकेला ही आपसे निपट लूंगा। मुझे निजी रूप से कहना, मेरा नाम लेकर मुझे जितनी गालियां देनी देना, लेकिन मेरे धर्म को, मेरी परंपरा को आपने जो अपमानित किया है, वो एक क्षण भी आपको हम सहेंगे नहीं। आपने हमारे धर्म को, हमारी परंपराओं को अपमानित किया है, माननीय सदस्य, पूरे संत समाज को अपमानित किया है। आज कांग्रेस के लोग, हम ये नहीं, मैं शब्दों को अटवाना नहीं चाहता, ये देश याद रखेगा कि विभाजन के लिए कांग्रेस ने क्या किया, अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए कांग्रेस ने क्या किया, ये देश याद रखेगा कि माननीय सदस्य बैठिए 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 अब हो बैठिए। इन्होंने जो शब्द बोले, किस देश का भट्टा बाबाओं ने बिठा दिया, कांग्रेस उसको मानती है क्या? कांग्रेस उसको मानती है क्या? बात कहिए, आप अपनी बात कहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपने कहा कि उन्होंने मजाक की बात कर शब्द बोल दिया, पूरे हिंदू समाज की, पूरे भारतवर्ष के 135 करोड़ लोगों का अपमान किया है। सनातन धर्म में साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने सदैव समाज को, ज्यादा सनातनी है हम लोग, समाज को जोड़ने का काम किया, सनातन धर्म पे मत जाइए, सदैव समाज को नहीं, आपको एक एक रूपता से आगे बढ़ाने का काम किया, देश को बचाने का काम किया, सनातन धर्म समाज ने सदैव देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा सुरक्षा के लिए अपना भी बलिदान दिया और देश के लोगों को भी प्रेरित करके देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ाने का काम किया। संसदीय मंत्री को इसका कंक्लूड करेंगे, हो गया आपका। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये नहीं बोलना चाहिए आपको, माननीय मुख्य, मैं भी उसके पक्ष में नहीं हूँ, देख लिया वो है क्या अपने पास, वो मेरे को लाओ, टिप्पणी टिप्पणी लाओ, ऑफिशियल लाओ माननीय। अरे आपके आपके संसदीय मंत्री जवाब दे रहे हैं, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अरे माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आपके मंत्री जवाब दें, बोलिए, सत्ता पक्ष की ओर से आप बोलिए। मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक ने जो विषय उठाया वो बहुत ही गंभीर है और उसको लाइटली लेने का विषय नहीं है। अगर उसके बावजूद भी माननीय सदस्य ये कहे कि मैंने क्या खा, तो उससे भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा, उत्तेजना से कोई कहा गया उसे अलग होता है, लेकिन अभी तक माननीय सदस्य इस बात पर कायम है कि मैंने क्या कह दिया। एक भारतीय संस्कृति के संबंध में, संतों और बाबाओं के संबंध में ऐसी गलत अमर्यादित टिप्पणी करना
इस विधानसभा के पटल पर कभी भी शोभा नहीं देता है। और मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है, आपने ठंडा करने का प्रयास किया लेकिन सदस्य आज भी अपनी बात पर कायम है। इससे स्पष्ट है कि उसको बिना माफी मांगे इस सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है, और इसके बावजूद भी रहता है तो उसको निलंबित करना पड़ेगा, उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर माननीय सदस्य ये नहीं मानता है जैसा आपने कहा वो तो ठीक है, आपने ठंडा करने का प्रयास किया, लेकिन आपका सदस्य आज भी अपनी बात को कायम है तो निलंबन के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। माननीय सब सदस्यों के सामने ये जो प्रोसीडिंग माननीय सदस्य जो जो लिखा है पढ़ के बता रहा हूँ, जो रिकॉर्ड में वो बता रहा हूँ। रिकॉर्ड में क्या है, श्री श्रवण कुमार मैंने तो सुना है कि बाबा लेकर आया था, बाबा विदेश गया था, वहां से गाय ले आया, मैंने वही सुना था बाबा गए थे विदेश में। अगर इस देश का सबसे ज्यादा भट्टा बैठाया है तो बाबाओं ने बैठा है, एक गाय ये लाते हैं और बंदर बनाकर डालकर मंजीरे और जगह जगह, एक तो है आसाराम तो जेल में पड़ा है, ये सदन की मर्यादा तो नहीं है। यदि विराजिए मैं आसन की आज्ञा से बोल रहा हूँ, इस तरह से अब मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, करने देंगे आपको, मैंने अब व्यवस्था दे रहा हूँ। अगर माननीय सदस्य खुले रूप से हृदय से माफी नहीं मांगे तो निलंबन के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, और नहीं तो हृदय से निलंबन आप ही मांग ले कि मेरे से गलती हो गई, और वो भी आत्मा से मांगे माफी, दिखावटी नहीं। माननीय सदस्य मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, ये सदन परंपरा और नियमों से चलता है, सदन में बहुत से गतिरोध पैदा होते हैं और कई बार गतिरोध में दोनों ही पक्षों के माननीय सदस्य अकारण अमर्यादित टिप्पणियां करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सदन की सारी मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो गई, ये स्थापित परंपराएं रही है, आज पहली बार नहीं हो रहा है। माननीय गर्ग साहब जो है मेरे बहुत पुराने साथी हैं, हम पुराने वाले विधानसभा भी रहे हैं, वहां भी इस तरह की कई बार उत्तेजना पैदा हुई है, कई बार इससे भी ज्यादा उत्तेजना पैदा हुई है, लेकिन उसका निर्णय हमेशा माननीय अध्यक्ष ने यह कहकर किया है कि मैं इन शब्दों को विलोपित करता हूं। जब सदन की कार्रवाई से सारे शब्द निकाल दिए जाते हैं, और यहां दूसरी बात मैं ये निवेदन करूं माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी को व्यक्तिगत रूप से बाय नेम इंगित करके किसी को ठेस नहीं पहुंचाइए। नहीं आसाराम आपको बोला इसमें है, रेकॉर्ड में आसाराम के लिए हम कह रहे हैं, और ऐसे साधु चलिए आसाराम का नाम लिए, मैं व्यवस्था दे रहा हूं। माननीय सदस्य दोनों विराजो, दोनों पक्ष विराजो, माननीय सदस्य आप इधर बात करें, आपस में नहीं उलझे। माननीय अध्यक्ष महोदय आप इस पे गौर फरमाए, मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, माननीय मंत्री जी अकारण उत्तेजना पैदा कर रहे हैं, उत्तेजना की बात ही नहीं, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं भी विगत लंबे अरसे से जो है विधानसभा में आ रहा हूँ, परंपराओं को भी देखा है, अकारण उत्तेजना का वातावरण भी देखा है, लेकिन स्थापित परंपरा ये रही है आसन उन शब्दों को विलोपित कर देता है। इतना बड़ा कारण नहीं है कि आज की महत्वपूर्ण मांग को हम जो है डिस्टर्ब करके एक इश्यू पे ऐसे पे खड़े कर रहे हैं कि दोनों तरफ गतिरोध पैदा हो जाए और आज के सदन की कार्यवाही जो है बाधित हो। ऐसा एक एक हो गया, आपका ध्यान आ गया, अब मैं बैठ जाइए, आगे बैठिए, आगे बढ़ना है, मैं दे रहा हूं ना व्यवस्था। सिर्फ हमारा ये कहना है, अरे भाई एक मिनट शांति से बैठो यार, अध्यक्ष जी हमारा ये कहना है, हो गया 15 मिनट हो गए, हम ये कह रहे हैं कि मुझे निजी रूप से माननीय विधायक जी मेरी बात सुनिए, माननीय कांग्रेस के सभी सदस्य मेरी बात सुनिए, मुझे निजी रूप से कुछ कहना है, वो भी आप ले आना, दिन रात कहो, आप सुबह शाम कहो, 24 घंटे कहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं अकेला ही आपसे निपट लूंगा, मुझे निजी रूप से कहना, मेरा नाम लेकर मुझे जितनी गालियां देनी देना, लेकिन मेरे धर्म को मेरी परंपरा को आपने जो अपमानित किया है वो एक क्षण भी आपको हम सहेंगे नहीं, आपने हमारे धर्म को हमारी परंपराओं को अपमानित किया है, माननीय सदस्य संत समाज को अपमानित किया है। आज कांग्रेस के लोग हम ये नहीं, मैं शब्दों को अटवाना नहीं चाहता,
ये देश याद रखेगा कि विभाजन के लिए कांग्रेस ने क्या किया, अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए कांग्रेस ने क्या किया। ये देश याद रखेगा कि माननीय सदस्य बैठिए 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 अब हो बैठिए अब आवा बैठिए माननीय सदस्य अब बैठिए अब माननीय सदस्य अब बैठिए माननीय सदस्य अब बैठिए आ गया रिकॉर्ड में आ गया माननीय सदस्य बैठो। मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, हो गया आपके तीन बार, मैं ये व्यवस्था दे रहा हूँ, ये शब्द यहाँ से एक्सपंज किए जाएं और माननीय सदस्य को चेतावनी देता हूँ कि भविष्य में इस तरह के शब्दों का उपयोग न करे कोई भी सदस्य, साधु संतों या जो श्रद्धा के केंद्र है उनके खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी वह न करे, नहीं तो फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ श्री सदन की मेज पर रखे जाने वाले अध्यक्ष महोदय, जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे नहीं हम इस बात को समाप्त नहीं करने वाले, इनको माफी मांगनी चाहिए। और माफी मांगने में क्या तकलीफ है, आपने भी हमारे मंत्री से माफी मंगवाई है, माफी मांग लो। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने माफी मांगी है, शिक्षा मंत्री जी ने माफी मांगी है, माफी मांगनी चाहिए। पूरे हिंदू समाज टिप्पणी करिए, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने के लिए टिप्पणी नहीं की थी, मांगनी पड़ी हिंदू समाज के लिए, अगर किसी ने मानित किया उनको माफी मांगनी पड़ेगी। बाकी साधु संतों का अपमान हम नहीं सहन करेंगे, हमारे मंत्री महोदय जी ने माफी मांगी है, विधायक जी को माफी मांगनी चाहिए। हम हर साथ नहीं हटवाना चाहते कि इस क्षेत्र को लेकर के कांग्रेस ने पूरा मुद्दा उठाया था और हमारे मंत्री जी ने माफी मांगी है, हमारे मंत्री जी ने माफी मांगी है, विधायक जी को माफी मांगनी चाहिए। आप सनातन धर्म का अपमान करेंगे, साधु संतों का अपमान करेंगे, हमारे मंत्री जी ने माफी मांगी है, आपने देश का अपमान किया।